नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में, गुरुजी में। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए जिन्होंने रेलवे एएलपी का एग्जाम दे रखा था। दोस्तों एएलपी CBT 3 यानी दोस्तों साइको आपका रिजल्ट है वो आ चुका है। आपको दोस्तों कैसे अपना टी स्कोर चेक करना है CBT 3 का, पांचों बैटरी टेस्ट का दोस्तों टी स्कोर आपका आ चुका है, कितने लोग क्वालिफाइड हैं आपके साइको एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों साइको एग्जाम का पूरा आपका CBT 2 CBT 3 का जो आपका स्कोर कार्ड है, जो आपका टी स्कोर है कि पांचों बैटरी टेस्ट में आपने कितना स्कोर कर रखा है, एग्रीगेट कितना आपका बन रहा है टी स्कोर और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आपके साइको के, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ और दोस्तों कितने नंबर आपके साइको में से आपके कट के ऐड होने वाले हैं आपके मेरिट लिस्ट में, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब दोस्तों लॉगिन कहाँ से करना है, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे अभी तक ये नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों ये लॉगिन जो लिंक है वह एक्टिवेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर डायरेक्टली क्लिक करके अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपना CBT 3 का स्कोर कार्ड। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते हैं और सब कुछ समझते हैं कैसे आपको लॉगिन करना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हो जा रहे हैं CBT 3 में, यानी साइको के एग्जाम में दोस्तों मैक्सिमम कैंडिडेट्स पास हैं। बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आपको फेल मिलेंगे, लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे आपको लॉगिन करना है वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका देखिए ऑफिशियल दोस्तों वेब पेज है जिसमें आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। दोस्तों इसका जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके पहले आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इसका लिंक मिलेगा। लिंक पे आपको क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दोस्तों ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करके लॉगिन कर देना है, जैसा कि आप पिछले रिजल्ट चेक करने के लिए आपने किया होगा। चलिए फिर मैं यहाँ पे लिंक पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करके लॉगिन करके दिखाता हूँ और कैसे आपको CBT स्कोर मिलेगा वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वेट कीजिए, मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल होगा और CBAT स्कोर कार्ड होगा। तो सिंपली आपको CBAT स्कोर कार्ड पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों यहाँ पर आपके देखिए आपके सामने एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कार्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 पाँचों बैटरी टेस्ट के आपके स्कोर कार्ड आपको मिल जाएंगे। देखिए 58.12, 56.02, 58.66, 51.70, 58.69, ये पाँचों बैटरी टेस्ट का आपका दोस्तों टी स्कोर आपको मिल गया यहाँ पर। और इसके बाद आपको मिलेगा कंपोजिट टी स्कोर। कंपोजिट टी स्कोर यहाँ पे देखिए क्या हुआ है इस कैंडिडेट का, 283.21। और दोस्तों मार्क्स आउट ऑफ 30 जो आपका बनेगा यहाँ पे 30% आपका लेना है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 21.24 बन जाएगा और फिर दोस्तों आपको लास्ट मिल जाएगा क्वालिफाइड है या कि नॉट क्वालिफाइड है, तो वहाँ पर देखिए साफ साफ क्वालिफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों ये कैंडिडेट है ये आपका साइको के एग्जाम में क्वालिफाइड हो चुका है और इसका 21.24 मार्क्स दोस्तों यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके मेरिट लिस्ट में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सिंपली अपना भी चेक कर सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स अभी तक नहीं चेक कर पाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपना चेक कर लीजिएगा स्कोर कार्ड। और फिर दोस्तों आपका 21.24 इसका बना हुआ, इसी तरह जितना भी आपका बन रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।